स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्टूडेंट्स ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और मैथ्स का होमवर्क कर रहे होंगे। मैथ्स द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू, व्हाट वी हैव टू डू टुडे, हमें क्या करना है आज? हमें आज पेज नंबर 53 की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है एंड दिस इज लाइक एन एक्टिविटी यू विल एंजॉय। ओके, टेक आउट योर बुक्स ऑन पेज नंबर 53। Find out two numbers for each part that can you add to get the given number. हमें क्या करना है? हमें आंसर को फाइंड करना है। आंसर हमें गिवन है एंड कुछ नंबर्स भी गिवन हैं। इन नंबर्स को किस तरह से सॉल्व करना है? हमें दो ब्लैंक दी हुई हैं और एक प्लस का साइन है, कहीं दो ब्लैंक है, एक माइनस का साइन है और रिजल्ट भी दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है इन नंबर्स में से वो कौन सा नंबर है जो हमारा रिजल्ट नंबर ले आएगा। समझ आई? ओके, स्टार्ट करते हैं। नंबर वन हमारे पास है 2, 4, 3, 1, 2। इन नंबर्स में से कौन से वो दो नंबर्स हैं जो कि हमें आंसर देंगे 7। लेट सपोज मैंने पहले पहले नंबर लिया 2 एंड 4। क्या 2 एंड 4 हमें 7 नंबर रिजल्ट देंगे? प्लस करने से 2 एंड 4 गिव यू 6, नॉट द 7। यानी कि मेरा चूज नंबर ऑफ इट्स नॉट करेक्ट। हमें क्या करना है? हमें कोई और नंबर चूज करने होंगे। चलें 2 एंड 3 सॉल्व करके देखते हैं। 2 प्लस 3 गिव्स यू 5। ये भी नंबर करेक्ट नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है? हमें 7 रिजल्ट लाना है। सोचे सोचे वो कौन से दो नंबर्स हैं इनमें से के रिजल्ट 7 आए। येस, एग्जैक्टली, दैट इज़ नंबर 4 एंड नंबर 3। नंबर 4 एंड नंबर 3 दो नंबर्स ऐसे हैं जो कि आपके रिजल्ट प्लस में 7 लाएंगे। शाबाश, वेरी गुड। तो पहली ब्लैंक में आप लिखें 4 और दूसरी ब्लैंक में आप लिख लें 3 और रिजल्ट आएगा 7, जो कि पहले ही लिखा हुआ है। ठीक, समझ आई? अब तो ईजी हो गया। कम टू द नेक्स्ट, दैट नेक्स्ट नंबर पे भी हमारे पास इतने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, 7, 5, 12, 3, 14 एंड 9। और इनमें से हमें दो नंबर्स वो चूज करने हैं जो रिजल्ट लाएंगे 26। कौन से नंबर्स होंगे भाई? 12 नंबर को 3 प्लस कर दें तो 26 नहीं आएगा, 5 को 7 प्लस कर दें तो 26 नहीं आएगा। इसी तरह से चेक करें, दो डिफरेंट नंबर्स ऐसे होंगे जो प्लस करने से 26 रिजल्ट आ जाएगा। क्या मैं आपको बता दूं या आप खुद ही से फाइंड कर लेंगे? चलें मैं आपको बता देती हूँ। ये 12 पहली ब्लैंक में आप लिखेंगे 12 और दूसरी में लिखेंगे 14 और दोनों प्लस करने से क्या आ जाएगा? इट गिव्स यू 26। नंबर 3 देखें, नंबर 3 पे हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं? 2, 5, 6, 10 एंड 11। अब करना क्या है हमें? हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जो रिजल्ट आएंगे 17 का, एंड यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज 11, 8, 1, 4 एंड 5। बट नाउ वी डोंट हैव टू ऐड दिस। हमें क्या करना है? प्लस नहीं करना। हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जो सब्ट्रैक्ट होके रिजल्ट लाएंगे 6, यानी कि माइनस होके। यानी कि पहला नंबर हमें बड़ा फाइंड करना है जिसमें से जो छोटा नंबर माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। और किस तरह से फाइंड करेंगे? चेक करके, बाय चेकिंग द डिफरेंट टू नंबर्स। पहले 11 में से 8 को माइनस करके चेक करेंगे क्या 6 नंबर आता है? नहीं आएगा। 11 में से 1 को माइनस करके देखेंगे क्या 6 रिजल्ट आएगा? नो, इट विल नॉट। 11 में से 4 को माइनस करके देखें, 5 को माइनस करके देखें। 1 बाय 1 इस तरह से नंबर्स चेक करें और मुझे लगता है 11 माइनस 5, आपको रिजल्ट मिल चुका है। इट गिव्स यू 6। इट्स करेक्ट, वेरी गुड। तो पहली ब्लैंक में हम बड़ा नंबर लिखेंगे, 11 माइनस 5 गिव्स यू 6। शाबाश। कम टू द फिफ्थ नंबर, एंड फिफ्थ नंबर इज 9, 6, 7, 11 एंड 3। और इनमें से हमें सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट क्या लाना है? रिजल्ट लाना है नंबर 4। दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जो सब्ट्रैक्ट करके हमें रिजल्ट देंगे नंबर 4। अच्छा जी, कैसे चेक करेंगे हम? डिफरेंट टू नंबर्स को चेक करते जाएंगे। 9 माइनस 6 तो हमारे पास 4 नहीं आता, 3 आता है, तो इन दोनों को छोड़ देना है। 7 माइनस 11, नो, नहीं हो सकता, 11 इज़ द बिगर नंबर, सो वी विल टेक 6 माइनस 3
इट गिव्स यू थ्री नंबर, तो ये भी नहीं हो सकता. इसी तरह से ट्राई 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 टू डिफरेंट नंबर्स एंड गिव यू द रिजल्ट ऑफ फोर. अच्छा ऐसा करते हैं, पहले चेक करके देखते हैं ना, 11 माइनस 9 तो इससे भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा. क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि 7 माइनस 3 कर दें, इट गिव्स यू 4. यस एग्जैक्टली, तो 7 माइनस 3 गिव्स यू द रिजल्ट 4. ओके डन. सिक्स नंबर इज द लास्ट नंबर एंड दिस यू विल डू बाय योरसेल्फ. यानी कि दो नंबर्स, इन नंबर्स में से चेक करने हैं और रिजल्ट लाना है 5. तो आपका कौन कौन सा होमवर्क हो गया, दो पार्ट्स मैंने होमवर्क दे दिए हैं जो आप खुद करेंगे और इनको सॉल्व कीजिएगा और टीचर को बताइएगा कि आज आपने जो एक्सरसाइज सॉल्व की उसमें एडिशन सम्स भी थे और एडिशन भी थे और सब्ट्रैक्शन भी थे, और दोनों सॉल्व करने के बाद आपने होमवर्क क्वेश्चन भी ले लिए हैं. और इनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा, मैथ से कनेक्टेड रहिएगा. अल्लाह हाफिज़.